नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिव्या राय। इस बुलेटिन में आज बात होगी गणतंत्र दिवस की, राजपथ पर जांबाज महिला शक्ति की। जानेंगे गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल कहाँ बैठे, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिली मिठाई, और आखिर में बात होगी विपक्ष की संविधान बचाओ यात्रा की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पाकिस्तान की नापाक करतूत जारी, गणतंत्र दिवस पर भी तोड़ा सीज फायर। जम्मू के नौशेरा में पाक ने की गोलीबारी। कर्नाटक में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के मुताबिक राज्य में शानदार वापसी करेगी कांग्रेस। मेघालय चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्लान, म्यूजिकल नाइट से कांग्रेस करेगी कैंपेन की शुरुआत। हिंसा के खिलाफ विपक्ष ने निकाली संविधान बचाओ रैली, बीजेपी ने बोला हमला, कहा संविधान रैली करने वाले लोग देश को आ रहे हैं लूटते। और साउथ अफ्रीका के साथ तीसरे टेस्ट में रहाणे भुवनेश्वर ने जगाई जीत की उम्मीद, टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर आज देश की आन बान और शान देखने को मिली, जहां सैन्य ताकत के साथ ही देश की सांस्कृतिक धरोहर और आसियान की नई इबारत लिखी गई। 69वां ये गणतंत्र दिवस एक अलग मायने में खास रहा, क्योंकि पहली बार मुख्य अतिथि के तौर पर 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। परेड की शुरुआत में वायुसेना के 5 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट किया और गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात की। इन पर राष्ट्रीय ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज तथा आसियान का ध्वज लहरा रहा था। इसके बाद खुली जीप में 2 परमवीर चक्र तथा 3 अशोक चक्र विजेता राजपथ से निकले। फिर भारतीय सेना के जवान आसियान के ध्वज के साथ साथ सभी 10 मेहमान आसियान देशों, जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं, के ध्वज लेकर राजपथ से गुजरे। लंबे समय के बाद ITBP के दस्ते ने भी इस बार राजपथ पर दस्तक दी। वैसे परेड का आकर्षण सीमा सुरक्षा बल की 113 जांबाज महिला कमांडो टीम रही, जिनके हैरत अंगेज तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली करतबों को देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। आपको बता दें कि इससे पहले ये करतबबाजी डेयर डेविल के नाम से पुरुष कमांडो करते थे, लेकिन इस बार इन महिला कमांडो ने 350 सीसी की 26 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों पर सवार होकर नारी शक्ति तथा अपने साहस और वीरता का परिचय दिया। दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते और बैंड ने भी राजपथ पर अपने कौशल का परिचय दिया। सीमा सुरक्षा बल के ऊँटों पर सवार दस्ता भी आकर्षण का केंद्र रहा, यानी NCC के कैडेटों के दस्ते राजपथ पर अनुशासन का आदर्श पेश करते हुए नजर आए। ऑल इंडिया रेडियो, विदेश मंत्रालय द्वारा बनाई गई आसियान की झांकी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, केरल, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गुजरात की झांकियों ने राजपथ पर देश की संस्कृति की मनोहारी छटा पेश की। इसके साथ ही ITBP, आदिवासी मामलों, युवा तथा खेल मामलों, आयकर विभाग तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी भी परेड में दिखाई दी। झांकियों के बाद राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों से सम्मानित बहादुर बच्चे खुली जीप में दर्शकों का अभिवादन करते हुए राजपथ से गुजरे। चटकीली और रंग बिरंगी पोशाकों में 5 स्कूलों के छात्रों ने अपनी रंगारंग लोक नृत्य प्रस्तुतियों से राजपथ पर धूम मचा दी। इन बच्चों ने सलामी मंच के सामने आसियान देशों के नेताओं के सामने उनके देशों की पारंपरिक पोशाकों में वहां के नृत्य तथा कला पर आधारित कार्यक्रम पेश कर सतरंगी छटा बिखेर दी। इनकी रंग बिरंगी पोशाकों से ऐसा लग रहा था जैसे समूचा राजपथ रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों से नहा गया है। परेड के समापन से पहले वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपने हैरत अंगेज करतबों से रोमांच पैदा कर दिया। सबसे विशालकाय मालवाहक विमान C-17 भी 2 सुखोई विमानों के साथ अपनी ताकत और क्षमता का एहसास कराता हुआ नजर आया। देश में ही बने लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ जगुआर और मिग लड़ाकू विमानों ने अपने कौशल तथा करतबबाजी से सबका मन मोह लिया, और अंत में हर बार की तरह इस बार भी सुखोई 30 विमान ने आकाश को चीरते हुए वर्टिकल चार्ली करतब का नमूना पेश कर दर्शकों को रोमांच से सराबोर कर दिया। परेड के समापन पर बड़ी संख्या में शांति के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए, जिनसे राजपथ का आकाश पट गया।
आपको बता दें कि परेड के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और जमीन से लेकर आकाश तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसके लिए 50,000 से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही थी और परेड के आसपास की इमारतों की छतों पर शार्प शूटर तैनात किए गए थे। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो आज जहां 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अनेकता में एकता को देखा, वहीं राजपथ पर महिला सशक्तिकरण की झलक ने भी देश का सीना गर्व से चौड़ा किया। जी हां, इस बार जो सबसे खास था, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो थी महिला शक्ति। राजपथ पर महिलाओं ने अपने कर्तव्य से भारत के गौरव को दुनिया के सामने रखा। राजपथ पर परेड के दौरान सबसे खास रहा बीएसएफ की महिला टुकड़ी का प्रदर्शन, जिन्होंने बुलेट पर ऐसे स्टंट किए कि सभी दंग रह गए। राष्ट्रपति कोविंद ने भी उनका तालियां बजाकर स्वागत किया और दर्शक दीर्घा में भी बैठे लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला कर्मियों के कर्तव्य के दौरान सबसे ज्यादा तालियां बजी। परेड के दौरान देश की महिला शक्ति को बखूबी पेश किया गया। बीएसएफ की महिला डेयरडेविल्स ने 16 तरह के स्टंट किए, जिन्हें देखकर दर्शक रोमांच से भर गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई लोग अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने महिला डेयरडेविल्स के लिए तालियां बजाई। 27 सदस्यीय इस टीम में शामिल सभी महिलाओं की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। टीम की अगुवाई लद्दाख क्षेत्र की सब इंस्पेक्टर स्तामन जिन नोरियांग ने की। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ और सेना के डेयरडेविल्स एक एक साल के अंतराल के बाद अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इस बार बीएसएफ की बारी थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी महिला विंग के डेयरडेविल्स को चुना। रिपोर्ट। आज लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन आज के दिन भी देश के नेता राजनीति करने से बाज नहीं आए। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। परेड में राहुल को चौथी पंक्ति में बिठाने पर पहले ही सियासत गर्म थी कि अब उनकी तस्वीर छठी पंक्ति में नजर आई तो कांग्रेस का गुस्सा और भड़क उठा। दरअसल राहुल गांधी राजपथ पर मनाए जा रहे 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां पहले उन्हें चौथी लाइन में बैठने की जगह दी गई। कुछ समय बाद राहुल गांधी छठवीं लाइन में गुलाम नबी आजाद के साथ बैठे नजर आए। इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार की ओछी राजनीति जग जाहिर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर अहंकारी शासकों ने सारी परंपराओं को दरकिनार करके पहले चौथी पंक्ति और फिर छठी पंक्ति में जानबूझकर बिठाया। हमारे लिए संविधान का उत्सव ही सर्वप्रथम है। कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, ऐसा पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष को नीचा दिखाने के मकसद से किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले तक राहुल गांधी को आगे की पंक्ति में ही बैठने को जगह दी जाती रही है, लेकिन इस बार उन्हें बैठने के लिए पीछे की सीट मिली। इतना ही नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी पीछे की लाइन में बैठे हैं। इस मामले पर अभी सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर बार आपसी रंजिश को भुलाकर वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी सेना को मिठाई खिलाते हैं, लेकिन इस बार पाक की नापाक हरकतों की वजह से सीमा पर तैनात जवानों ने नाराजगी जाहिर की और इस बार पाक रेंजर्स को मिठाई नहीं खिलाई गई। इस 69वें गणतंत्र दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ इतना गुस्सा देखने को मिला कि मिठाई का आदान प्रदान ही नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स को पहले ही बता दिया गया था कि इस बार गणतंत्र दिवस पर मिठाइयों का आदान प्रदान नहीं होगा। भले ही पाकिस्तान के साथ जवानों ने मिठाई का आदान प्रदान ना किया हो, लेकिन अपने दूसरे पड़ोसी देश का भारत ने इस खास मौके पर मुंह जरूर मीठा कराया। इस बार गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेशी सैनिकों के साथ मिठाई बांटी गयी। पश्चिम बंगाल के फुलवारी पोस्ट पर तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश के सीमा गार्ड्स के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। आपको बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर उल्लंघन किया गया था, जिसमें भारत के 7 नागरिक समेत 13 लोग शहीद हुए थे। पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और LOC पर लगातार गोलीबारी हो रही है। BSF ने भी पाकिस्तान का मुकम्मल जवाब दिया है। आंकड़ों की माने तो हालिया दिनों में हुए सीजफायर उल्लंघन पिछले 15 साल में जनवरी महीने में होने वाले उल्लंघन में सबसे ज्यादा है। इस साल 21 जनवरी तक पाकिस्तान 134 से भी ज्यादा बार सीजफायर तोड़ चुका है।
अब गणतंत्र दिवस से इतर बाद चुनावी सुगबुगाहट की बीजेपी के विजय रथ को थामना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने 2019 की जंग के लिए अभी से तैयारी शुरू कर ली है। राहुल ने ऐसा दाव तैयार किया है जिससे बीजेपी की रणनीति फेल हो जाएगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्ष की एकता के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। आम चुनाव की जंग में एक साल तक का वक्त बचा है, इसलिए सियासी दांव पेच इसको ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी अपने तीर तरकश को दुरुस्त कर रही है तो राहुल गांधी अपने दांव पेच आजमा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा के दंगल के लिए राहुल ने बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जो जादुई आंकड़े तक पहुँचने से पहले बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की एकता पर जोर लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल विपक्ष को मजबूत कर मैदान में उतरेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर राहुल विपक्षी एकता बनाने में कामयाब रहते हैं तो मोदी की अगुवाई में एनडीए जादुई आंकड़े से दूर रह जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ टीएमसी, बीएसपी और सपा आ जाएं तो यूपीए के खाते में 202 सीटें आ सकती हैं, जबकि एनडीए के खाते में महज 258 सीटें और अन्य के खाते में 83 सीटें आएंगी। 258 सीटें लेकर भी एनडीए जादुई आंकड़े से दूर रह जाएगा। आपको बता दें कि 543 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 272 का है। और बुलेटिन के आखिर में बात विपक्ष की संविधान बचाओ यात्रा की। एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं विपक्ष ने आज संविधान बचाओ रैली निकाली। ये रैली देश में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं को लेकर निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फिल्म पद्मावत को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हिंसा भड़की, उसको लेकर विपक्ष अब एकजुट होता दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मुंबई में विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए संविधान बचाओ यात्रा निकाली। इस यात्रा में शरद पवार, उमर अब्दुल्ला, हार्दिक पटेल, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, शरद यादव, अजीत पवार, राम जेठमलानी, सुप्रिया सुले, सुशील कुमार शिंदे, डीपी त्रिपाठी सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं देश के 69वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि आज संविधान के मूलभूत सिद्धांत गंभीर खतरे में है। येचुरी ने ट्वीट कर कहा कि हमने 68 वर्ष पहले इसी दिन अपने संविधान को अपनाया था। इसका मूलभूत सिद्धांत समानता का अधिकार है, जो आज भी गंभीर खतरे में है। हमें आज समानता और भाईचारे के स्तरों से परे जाने की जरूरत है, न कि पीछे जाने की। वैसे इस रैली के पीछे माना जा रहा है कि विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।